बिल्कुल, आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंट द पीएम जेडीवाई और नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट 7 ईयर्स, तो 7 साल हो चुका है इसको, तो इसका इसलिए कोई फैक्ट जान लेते क्या क्या प्रपोज किया है इसका। टू इंश्योर द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर्स। बेनिफिट क्या है? ऑन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट इस ओपन फॉर द ऑन बैंक पर्सन, जिसका मतलब अकाउंट नहीं है उसको, उनके लिए खोलने के लिए उनके लिए बेनिफिट है। ओवर ड्राफ्ट अप टू द 10,000 टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स इज अवेलेबल। एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये कवर 1 लाख एनहांस टू 2 लाख टू ए न्यू PMJDY अकाउंट ओपन आफ्टर 28 अगस्त 2018, तो 2 लाख तो उसको मतलब एनहांस कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देख लीजिए। द फाइनेंशियल पेनिट्रेशन इंश्योर द एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच। देखिए साइलेंट फीचर क्या है इसका, देखिए बैकग्राउंड। इट इज़ द नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका सिक्स फिलर क्या क्या देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, द बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एवरी हाउस होल्ड, द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटेड फंड जिसको क्रिएट करना है, माइक्रो इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उनको पेंशन तक भी। देखिए आप बैंक अकाउंट के बारे में क्या क्या है, देखिए अंडर द स्कीम ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंक मित्र आउटली बाय द पर्सन नॉट हैविंग एनी अदर अकाउंट, अगर किसी के पास नहीं होगा तो ये कहीं भी खोल सकते हैं। बेनिफिट टू अकाउंट होल्डर क्या रही, देखिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, तो कुछ भी मतलब मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन करने का जरूरत नहीं है इसमें। इंटरेस्ट इज अर्न ऑन डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अर्न करेंगे वो। रुपये डेबिट कार्ड इज प्रोवाइड टू PMJDY अकाउंट होल्डर, तो उनको रुपये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। PMJDY अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम, ये सब इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए।